तो राम राम भाई सारे ना, जैसा कि आप सबने पता ही है कि मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा बॉलीवुड आए तो मानो भी हरियाणवी मलंग का नाम तो ही जाना। अच्छा, तो आज यू हरियाणा का मलंग थाने एक मरगत की कहानी सुनावागा कि जब हरियाणा में किसी बूढ़ा बूढ़ी का टिकट कटने वाला हो तो के हुआ। मान लो किसी बूढ़ा का नंबर पड़ने वाला, तो कहीं कैसा में क्यों होगा कि वो भला चंगा चल फिर रहा हुआ, एन अच्छा खा पी रहा हुआ, केवल मैं इसकी धार काट कर लाया, मैं इसकी धार काट का सही सलामत दूध की बाल्टी ने लेकर घर अंदर आगा और दूध की बाल्टी ने अंदर दी, उसका एकदम पड़ा हार्ट अटैक। और यू दूध की बाल्टी दरें बाद ही पड़ा, पहला नहीं। अच्छा, 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 तो टैग पड़ दी वह गिर जा। तो सबसे पहला काम हुआ अगर की लगाइया का किल की मारने का। और यह सिर्फ किल की नहीं होती है, यू एक किस्म का सायरन हुआ जो कि आस पड़ोस के लोगों ने इकट्ठे करने वास्ते बजाया जावा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँ जिसका नाम है प्रोबो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ज्ञान बांट सका और तो प्रॉफिट भी बना सका, सिर्फ आया नाम अपना ओपिनियन देगा। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी आ, क्रिकेट आ, फाइनेंस आ, यूट्यूब आ, यहाँ तक कि मौसम आ, तो आपना सिंपली इस पर येस और नो में अपना ओपिनियन देना और अगर आपका जवाब सही होया तो अपना 100% पैसा मिल जाएगा। यह बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि 1 करोड़ तक भी ज़्यादा लोग प्रोबो ने यूज़ कर रहे हैं और डेली अपना ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत रहे हैं और इसने यूज़ करना बहुत ही आसान है। देखो मैं अपना कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं और उस पर किस तरह अपना ओपिनियन सबमिट करना वो भी दिखा देता हूं। क्या विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बना पाएगा? तो मना तो लगा कि नहीं बना सकता, तो हम नो कर दो। और अगर हम अपना ओपिनियन पर पूरी तरह शोर है तो हम क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सका, लेकिन बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होगा कि हम अपने जितने हुए रिवॉर्ड्स ना विड्रॉ किस तरह करेंगे। देखो फंड ऐड करना और विड्रॉ करना दोनों बहुत ही आसान है, हम गूगल पे, पेटीएम कार्ड या फिर किसी भी मदद का अपने जितने हुए रिवॉर्ड्स ना विड्रॉ कर सका। तो ऐप के बारे में बता दिया तो ये आपका ओपिनियन बेकार नहीं जाना चाहिए। फटाफट प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उस किलकी की बात सुन दे आस पड़ोस के लोग उठा आ जा, तो थोड़ी देर तक पहला इनके चलन देसी नुस्खे। अच्छा, कोई छाती दाब रहा, कोई हाथ लग रहा मसलन, कोई पैर लग रहा मसलन, कोई पानी पिला रहा, यानी कि 2-4 बंदे तो उस पर लगे हुआ और बाकी 10-12 जने सिर्फ गोल के चेहरा बनाया उसका कहने। फिर थोड़ी देर बाद उठा एक ऐसा बंदा आवा जिसकी गांव में चाहे जम इज्जत ना हो पर फिर भी वाम दी सार पूरा कॉन्फिडेंस तक बात कवागा, उधम साइड में ले रहा इरकन खड़े उधर उधर ले आवा लागण दे, आवा लागण दे। फिर थोड़ी देर बाद जब कंडीशन में कोई सुधार नहीं आंदा, सारे देसी नु उसके अपना ले आ, फिर 4 बंदे उन्हें ठागा गड्डी में घेर का हॉस्पिटल में ले जा। अच्छा, अरे यहां जुड़ से 4 बंदे उन्हें ले जानिया, इन 4 में एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो गांव में चाहे किसी को कुछ हो जाओ सब तक गमा पावागा और हर गांव में एक ऐसा बंदा। पर जुन से 4 बंदे उन्हें लेकर जावा नहीं, ये 4ों के 4 इस तरह के हुआ चाहे डॉक्टर जान दी सार कह दे कि बंदा तो खत्म है पर फिर भी किस तरह निपटा दे। इन्हें चाहे कोई फोन करके पूछ लो कि किस तरह, हाँ ठीक है तो ये बोलेगा गए अंदर। जे ना कोई पूछने वाला हो भी पूरा तो बंदा बीमार भेजा अंदर नहीं लेकर गए तो ठीक किस तरह हो गया। और ऐसी सिचुएशन में जो आस पड़ोस की लगाई हुआ उनका नाम कहूं जब छिड़ जा, बीमार कोई हो रहा है, लेकर कोई जा रहा है या अपनी टेंशन पाल ले, रे थोड़ी सी रोटी खाओ वो पल्ला ज्यादा ढील हो रहा है मन उनका जाना लगाई कह देंगे फलानी तो आई भी नहीं है। अरे यार लगाई आ तो जावा पर इन मदब चेरी 2-4 के तो अंधी सार टेंडर छूट जा, किसी की चा बनाने पर ड्यूटी लाग जा, किसी की बासन मंजन पर लाग जा, और जो बाकी 5-10 बैठी हुआ उन माता जो 1-2 घर की हुआ वो तो बेचारी चुपचाप शोक में बैठी रहेंगी। और जो और हुआ बाकी की वहां चर्चा तो इसी मुद्दा पर कर रही हुआ पर उनकी बात पता कड़ा था शुरू होगी, और बल्कि मेरे इसका डैडी तो बाहर बैठे बात लाग रहे थे करने, न्यू मैं बैठी थी न्यू इसका डैडी बैठा था। बात करते करते इसका डैडी बोलिया अब 4 बज गए जहाँ चाह बना लिया, मैंने देखा टाइम पिस करनी मखा हाँ सच्ची बज गए ले लिया हूँ बना का। अले मैं उठी उठ कर लग गई जे चपली पान देखूं जेरी चपलियों नी एक तो ठी पड़ी एक पता नहीं जेरे चिरी टना पैर पूर मार कौरा परा कर दी होगी भी। अले मैं नहीं बोने पैर सोई मैं बग्गी
रसोई में जाकर मैंने टोपी हटाया, उसमें पानी पाकर गैस पधर लग गई जे गैस चलन। जरा वह गैस चलाने वाला लैटर सा नहीं चल रहा, कई दिन हो गए खराब हो रहा, कभी चल पड़ा कभी नहीं। और जो इस बात ना सुन रही है वह पूरी सीरियस डू भी माँ चीज रखे करो लव उधर का फट देसी बल तो जा के है यूस उदा लैटर पैटर का मन तो बोरा नहीं पसंद। यहाँ चर्चा कर दी बीच माल को ट्रैक पकड़ लिया। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद फिर उठी आ जाएंगी। ए बस के करा भी बन रही हैं चीजा बर्तनी तो पढ़ा भी अले हाथ उत से मार का जेरा चल गया वो लैटर मैं चाह लगी कर दूध दाध पा दिया बाल देन वास्ता खड़ी थी अले एकदम चिंग चिंगाड़े पड़ गए। मैं तो आई जे बार बाजी इतना मैं इसका डैडी भी उठका जा लिया। अले मैं तो जेरी वो चपली सी रह गई टोंदी इतना मैं कैंख ले कभी जा लिया। मतलब यहाँ सीधी मेन बात नहीं कर दी, यहाँ फिल्म की तरिया खासी पीछा तो स्टोरी ना स्टार्ट करा और फिर एक एक डिटेल में वो एक्सप्लेन हुआ। मैं उठी मना उठ का चपली पाई फिर मैं चल ली। शेखर जी इनमा इतना टैलेंट हुआ कि अगर इन्होंने कोई 3 घंटे की फिल्म देख ली अच्छा। तो यहाँ उस 3 घंटे की फिल्म ना पूरे 3 घंटे में एक्सप्लेन कर सका विद मसूरी। फिर वहां जो से 4 बंदे उन्हें लेकर जाए वहां वह चलने का थोड़ी सी देर पहला एक टब्बर में किसी जिम्मेदार सा बंदा पर फोन करेंगे अच्छा। कि भाई नुनू करके इसका तो टिकट कट लिया और हम मान लग रहे थे हम तैयारी कर लो। फिर वह बंदा सबता पहला मारी उम्र के 5-7 छोरे ना टोवागा कि नुनू करके बात होगी और थम बताइयो तो है ना किसी का और थम ट्रैक्टर ट्रैली ले जाएगा गोस्से भर लो अच्छा। उस टाइम माना पता कैसी फीलिंग आवा जो देश का प्रधानमंत्री ना मरता देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दियो। एक बार बल्कि मारा गेलो या स्त्री मारा टाबर में किसी की डेथ होगी तो मर तो कह दिया भी अली बताइए तो है ना किसी का और थम जाकर ट्रैली में गोस्से भर लो अच्छा। उसका तो कहने का मतलब था कि उनके घर के नहीं बताना पर मन ना सोच लिया भी किसी का नहीं बताना। तो हम ट्रैली में गोस्से लाग रहे बन एक गांव का बंदा आ गया अच्छा। वो बोले नु करा थारा वो बंदा पूरा लिया गे ना वो तो ठीक है फिर गोस्सेदार लेने लागने बन। बात उसकी भी सही कि जब बंदा ठीक है तो फिर थम गोसे की ट्रैली क्यों लाग रहे बन। और जो यू ना बताने वाला सिस्टम हो नहीं यू सिर्फ लगाइए करके हुआ अच्छा। क्योंकि बंदे ना देखो धीरे धीरे सबना पता लगी जावा सारे रिश्तेदारों में फोन कर दिया सिर्फ लगाइए ना नहीं बताते। और उसका सिर्फ एक रीजन ना कि उनका टैप रिकॉर्डर जितना लेट हो सकन या उतना लेट शुरू होना चाहिए क्योंकि यहाँ रोइया को थोड़ी देर बाद जब उसमें घर ले आवा तो सबना पता लग जा तो उस टाइम लगाइए तो अपना पूरा रंग मोवा अच्छा। गांव की लगाइए हमारा शहर की लगाइए मैं के फर्क हुआ ये भी थोड़े दिन पहले की बात आ हमारा ऑफिस का सामने वाली बिल्डिंग में किसी की डेथ होगी तो ओठा लगाइए किस तरह रोरी बिल्कुल लड़की लड़की ये अच्छा नहीं हुआ ये भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पर गम्मा मा रे मल तो तना पड़ पोते का ब्याह भी नहीं देखे था और चलो लगाइए तो अपना रंग मोवाइया कई आदमी भी अपना रंग मोवा उड़ा जितने भी आदमी खड़े हुआ तो उनमें कई तरीके के करेक्टर हुआ। एक तो आज जो बिल्कुल डिटेल में शुरू तक लेगा एंड तक की स्टोरी सबने सुनाई जावा क्योंकि लोग अंदर हुआ तो एक बार आगे बंदा पूछे ही कि के बात होगी डेथ किस तरह होगी तो एक बंदा तो रिपीट टेलीकास्ट पर चल रहा हुआ वो बार बार सप्ताह की स्टोरी सुना रहा अरे सांझ भी ठीक था जमीन बरगम हम दोनों इस टैलर में बैठे थे वह बोलिया भाई लिया 4 बजे नाले यहाँ आधार काट लिया सगो मन ने भी एक तूड़ी की पांड लेनी थी तो वह आधार लग गया काटन में तूड़ी लेन बग गया धार काट का दूध की बाल्टी ना घर ले गया था बगर जाक होया उसका तो के होया एकदम। अच्छा यह चीज भी बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। एक बार नहीं मरा गम में किसी की डेथ होगी तो सारे खड़े यही बात चल रही तो उठा एक बीमे बूमे से वाला बंदा खड़ा वो तो था ना सबने पता ही है कि बीमे बूमे वाले के कोई बात करके राजी तो होता नहीं है पर उस टाइम सारे मजबूर थे तो उस बीमे वाला बंदा ना बात थोड़ा जेंटलमैन सा तरीका था थोड़ी आग बताई
नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कोई रीजन तो दिया ही होगा डेथ का हां तो अटैक कह रहे हैं अभी पड़ा अच्छा पहले भी पड़े होगा एक अद्धी बार क्योंकि अटैक में तो तीन चांस हुआ पहली एक दो बारी में तो आ जा चेपा फिर इस बात का जवाब दिया एक दूसरा बूढ़ा ना जो मरने वाला था भी कई साल बड़ा था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में या तो सिर्फ ताश खेले हैं या बीड़ी पी है इसके अलावा कोई तीसरा काम उन्हें अपनी जिंदगी में करा ही नहीं है उसने अपनी प्रतिक्रिया दी एक तो भाई साहब हार्ट अटैक ना अटैक बोल रहा क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं तो वर्ड कभी समझ आया नहीं कि के वर्ड आ इसका मतलब के आ लेकिन जनाब ने अपनी राय तो देनी थी तो बोलिया कि एक तो अटैक हुआ और एक अटैक हुआ जे अटैक तो आ जा तो बंदा बच जा और जे अटैक आ जा फिर नहीं लाले बचदा जो उसी वर्गे थे जिन्हें नहीं पता था उन्हें तो मुंडी ला दी कि हाँ सही बात है पर जिन्हें पता था वो भी बेचारे चुपचाप मुंह फेर के खड़ गए कि बैठा सहना मानसना के कहां भी अच्छा उसी सिचुएशन में एक कुंड में मारा वर्गे दो चार जने और खड़े अरुण कलवा खड़े एक दाऊद की गैंग का आदमी जो हर मैच में 2-3 हज़ार रुपये का सट्टा ला कर रखा वो उस टाइम भी अपना लगो ट्रैक पर स्कोर देख ही रखे पूरा अगले का बूढ़ा क्लीन बोल्ड होगा तो विजय लौट गया पन्ना स्कोर की पड़ रही फिर उसका बाद चलो जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार हो जा सारे रिश्तेदार बग जा लेकिन उसका अगला दिन तक ही अगले कई दिन तक रोज पलट बिछाएगा बैठा और रोज की रोज कई जगह तो रिश्तेदार बैठना वा तो उन सारे रिश्तेदार था चाह पानी पिलाने की उनका रोटी खिलाने की जिम्मेदारी वह 16-17 साल के छरीटा की सारा कुंड बगे छरीट डेली तड़की दा लेगा सांझ लगो उठी रहा हालांकि यहाँ चाह पानी भी जरूर पिलावा लेकिन इनका मेन मकसद हुआ हुक्का पीना यह 10 दिन में 20 किलो तम्बाकू पी जा अच्छा एक तरफ छरीट चाह पानी पिलाने का चक्कर में हुक्का पी जावा दूसरी तरफ उनका बाप पलड़वा बैठने का चक्कर में बीड़ी पी जावा क्योंकि बीड़ी की सुविधा उस टाइम इतनी जबरदस्त तरीके से उपलब्ध हुआ कि मंडल खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती बीड़ियां खोल खोल का थाली में पाकर लोगों का गदर ही जाऊं स्त्री एक बार मेरा एक ताया बोला कि इन बीड़ियां खोल का थाली में पा दे अच्छा तो मैंने पूछ लिया मखयू के चक्कर जब भी किसी की डेथ हुआ तो बीड़ियां खोल के क्यों दी जावा लोग था लोग अपना अपनी मंडल में तो कड़ का पी सकते तो मेरा ताया ने एक बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया कि बीड़ी पीने की आदत लोगों की ऐसी हुआ कि उनका माइंड तो कड़ी और बिजी हुआ लेकिन फिर भी उस टाइम बीड़ी ठाका पी लिया तो अगर उनका आगे पूरा का पूरा मंडल दर दिया तो मंडल में था बीड़ी रिकॉर्ड का उस मंडल ने अपनी गोजी में ही पालेंगे वरना उन्हें पता लग जाएगा तो इसी कर का बीड़ियां खोल खोल कर दरी जावा ताकि कोई ठाका न ले जाए तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कई जगह तक रिश्तेदार बैठना हुआ तो उनमें कुछ आदमी भी हुआ कई लगाइया भी हुआ अच्छा आदमी तो दो जने भी आ जा तीन भी आ जा कोई कल्ला भी आ जा लेकिन लगाइया नू कदी नहीं आंदी लगाई आवांगी हमेशा ग्रुप मा मैं कम से कम 7-8 लगाइया का ग्रुप हुआ और यहाँ लगाइया एक रात ज्यादातर टम्पू टुम्पुआ से मा और मान लो टम्पू कर तो थोड़ी पीछा रोक दिया तो उठाता थोड़ी सी दूर तक तो यहाँ चलाएंगी बिल्कुल नॉर्मल है ना हंसती बोल दी पर जद घर लवासी आ जा तो इनका उरा तक तो ओला निकट जा और चलने की स्पीड हो जा थोड़ी स्लो तो फिर एक लगाई तो कुछ बोल लगी और बाकी उन्हें सपोर्ट करेंगी रे पल्ले तेरा या चिट्टी पगड़ी के सुनी लगा थी रे हाय और मैं गारंटी वाला कह सकूं कि जितनी भी लगाइया नू रोले पांदिया वनिया उन माता 95% लगाइया की आंखा में एक भी अंजू नहीं होता और जिनका मौत तो ये हुआ जिनका यहाँ स्पेशल आई हुआ उनका तो यहाँ रहा सिर्फ 10 मिनट बाकी सारा दिन यहाँ गांव की रिश्तेदारियाँ फिरी जाऊँ नियो फिर दी सांझ कर दें और वह टम्पू का ड्राइवर बेचे रहे ना टोंदा फिरी जावा
वो फिर मार भर के ना तंग करे करा कि फलाना काम की लगाई आ रही है भाई लाइए बुला कर, फिर इन्हें टोटो कर ले स्त्री में भेज दिया एक बार टोन कि सुरमी गांव की लगाई फलाना का जा रही है जलाइए बुला का, मैं बग गया मैंने जाकर पूछा मैं भाई तारा सुरमी गांव की लगाई आ रही है नुकर ना भाई सुरमी की तो नहीं आ रही मारा तो दोस्त की आ रही है मैं पर एक काम कर ही नहीं भेज देने के बुला लाग रहे क्योंकि मैंने पता था इतना सुरमी वाली ना लाऊंगा बुला का इतना कोई सा दोस्त वाली ना बुला की कह देगा तो भाई ऐसी ही विचित्र विचित्र सी घटनाएं होती रहा हरियाणा में और इन्हीं करका हरियाणा एक बड़ा ही मजाकी सा प्रदेश है पर हम चाहे जैसे भी हैं फिर भी हम पूरा गर्वता कहां कि यस वी आर हरियाणा Take a shot at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree bitch you ain't seen anything